फ्लोरा नर्सरी। यहाँ पे पारिजात का पौधा खरीदा जा रहा है तो लोग खरीदा? बहुत ज़्यादा। क्या विशेषता है? इसकी विशेषताएं हैं, इसमें एक्चुअली जॉइंटेज है, जॉइंटेज के अलावा पैरों में पेन है, चलने में मुश्किल है, हार्ट में कोई चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है। लगभग 337 बीमारियों को ये दूर करता है। 7 पत्ते लेंगे तो आपके पैरों का जितना भी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, सारा ख़त्म। खौला के ले लीजिए एक गिलास पानी में और ये ख़त्म हो जाएगा। कीमत 50 रुपये ओरिजिनल पारिजात होता है इसमें, इसको हर श्रृंगार भी कहते हैं, बट इसमें 7 स्पीशीज होती हैं। इसका फूलों का काम होता है कि कैसा भी म्यादी बुखार होता है जो नहीं उतरता है, कोई जिसका इलाज नहीं है, लाइलाज है इसके, आप जो है 7 फूल एक चाय में डाल के पी लीजिए तो उसके बाद में जो है आपको फीवर नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा। फूल टाइमिंग जो है इसका ईयर में 2 ईयर, मतलब साल में 2 बार, 2 टाइम, हाँ 2 टाइम है। और ये जो है अभी खिलेगा आपका, और रात में खिलता है और दिन में ड्रॉप कर देता है, फूल नीचे आ जाते हैं। वो फूल को कलेक्ट करके आप रख लीजिए और वो लेने से आपको 337 बीमारियों से निजात फूल से भी मिल सकती है। मेरा नाम फजील खान। किस नाम पे नर्सरी है आपके? ये खुशबू नर्सरी। अच्छा, इस वक्त ये पारिजात का जो पौधा है उसकी सेल काफ़ी बड़ी हुई है? हाँ, पहले से काफ़ी बड़ी है, जब से मोदी जी ने इसे अपने हाथों से लगाया है ना, तब से ज़्यादा ही बिक। क्या नाम है आपका और आपकी नर्सरी किस नाम है? जी मेरा नाम कौशल मौर्य है, फादर नेम श्री प्रताप मौर्य, मेरी नर्सरी प्रताप नर्सरी और करमचंद नगर रोड स्थित नगर पे स्थित है। अच्छा, जैसे सुनने में आया पारिजात का पौधा होता है जी, इसका कोई और भी नाम होता है? देखिए, पारिजात एक हिंदी वर्ड का पौधा है जिसको हम कॉमनली हरशंगार बोलते हैं। ये निक्टेंथेसी फैमिली का मेंबर है और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस है। और मुख्य रूप से वैसे तो ये हम लोग फूल के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें जनरली सफ़ेद गुलाबी कलर का फूल आता है, नारंगी कलर का। इसका जो टॉप वाला पोर्शन होता है वो तो होता है वाइट कलर का और जो बॉटम वाला पोर्शन होता है वो होता है ऑरेंज कलर का। जनरली ये घरों में शोभाकार रूप में लगाया जाता है, लेकिन इसके और भी कई महत्व हैं। एक तो ये इसकी लीव्स मेडिसिनल होती हैं, इसकी पत्ती शुगर में बहुत काम आती हैं। दूसरा, इसके अंदर जो नेक्टर होता है अगर वो पानी में घोल के पिया जाए तो पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये बताइए कि इस बार ये पौधा सुनने में आ रहा है कि बहुत बिक रहा है नर्सरी से? हाँ देखिए, वैसे प्राचीन समय से ये सब चीज़ों की मान्यता है, लेकिन समय समय पर लोगों ने इसके बारे में मेडिसिनल औषधि पौधे हैं उनके बारे में जागरूकता जताई। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती गई वैसे वैसे हमने उसके महत्व को समझा। जैसे मान लीजिए हमारे आज वर्तमान समय में इस पौधे को इसलिए मांग उठ रही है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय जी ने ही इस पौधे को लगाकर हमारे यहाँ एक नई जागरूकता बढ़ाई है, जिससे लोगों के मन में जागरूकता भी बढ़ी है और साथ साथ पौधों का महत्व भी बढ़ा है। देखिए सर, फूल तो खिलने का इसका टाइम जो है वो दीपावली के आसपास होता है, जब नवरात्रि प्रारंभ होती हैं उस समय फूल इसका खिलना चालू हो जाता है और पूरी ठंड तक रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसके फूल इतने सुंदर होते हैं कि अगर आप शाम को देखेंगे कुछ नहीं है, सुबह को देखेंगे तो ज़मीन पर पूरी माला जैसी बिछी हुई मिलेगी।